पाकिस्तान फिशर फोरम की जदोजहद की वजह से ये मसला हम कोई परमानेंट बुनियादों पर अभी तक रिजॉल्व नहीं करा सके हैं, मगर ये है कि पहले माहीगर गिरफ़्तार होते थे तो सालों साल पता ही नहीं होता था कि भाई वो माहीगर गिरफ़्तार है या नहीं है, आया जो है वो जो है जैसे पाकिस्तानी माहीगर अगर इंडिया गिरफ़्तार कर लेता है तो पता ही नहीं चलता था कि ये माहीगर इंडियन जेल में है या नहीं है। अब ये है कि हमारी जदोजहद और कोशिशों की वजह से माहीगर गिरफ़्तार होते हैं मगर उनकी आज़ादी जो है वो जल्द हो जाती है। शाह साहब, माहीगीरों की रहाई के लिए कभी आपने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वफाकी वज़ीर ख़ारजा या समंदर पान पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई इस हवाले से, रहाई के हवाले से? इस गवर्नमेंट को 2 साल हो गए हैं, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो मैं गुज़िश्ता 2 साल से उनको लेटर लिख रहा हूँ माहीगरों के मसाइल पर टाइम लेने के लिए। तो जब चीफ मिनिस्टर जो है ना वो टाइम नहीं दे सकते हैं तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिलना इस मुल्क के अंदर इस रियासत में बड़ा मुश्किल है, मगर ये कि फ़िशरीज़ के जो मिनिस्टर हैं उनके तक हमारे एक्सेस है कि उन तक हम पहुंचते हैं, उनको जो है ना ये सारा जो मसला है वो हमने उनको ब्रीफ भी किया है और उनको रिटर्न में भी दिया है। बाकी रिटर्न में हमने जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर उन सबको जो है वो दिया है, इस सिलसिले में हमने जो है इंडियन गवर्नमेंट को भी जो है वो लिखा है कि भाई फिशरमैन जो है वो गरीब हैं, उनको जो है ना वो गिरफ़्तार न किया जाए, इस वक्त तक जितने माहीगर गिरफ़्तार हैं दोनों तरफ उनको फ़ौरन जो है वो आज़ाद किया जाए। इसके अलावा आपके कभी इंडियन एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनसे कोई बात हुई आपके जो माहीगर वहाँ पर कैद हैं उनकी रहाई के हवाले से? इंडियन एम्बेसी से हमारे बात नहीं है, मगर हमने लेटर उनको ज़रूर लिखे हैं, उनको भी लिखे हैं और जो हमारे इंडिया के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी है उनको भी लेटर लिखे हैं। लेटर हमने जो है वो यूएन को भी जो है इस सिलसिले में भेजे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी उसके मुताबिक जो है उसका आर्टिकल 73 है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी माहीगर अगर फिशिंग के दौरान मुल्क की सरहद पार करता है तो उसको ना आप गिरफ़्तार कर सकते हैं ना उनको सज़ा दे सकते हैं। तो दोनों मुल्क जो है इस यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी की जो है वो वायलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने जो है यूएन को भी लिखा है कि भाई यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी जो है उस पर भी दोनों मुल्क जो है वो अमल नहीं कर रहे हैं, उसकी वायलेशन कर रहे हैं, बल्कि जो है ना वो जो अपने मुल्क का बनाया हुआ मैरीटाइम जोन एक्ट है उसकी भी वायलेशन करते हैं। शाह साहब, हारून रशीद नामी माहीगर जो इंडिया में गिरफ़्तार है उसकी फैमिली के यहाँ हालात ऐसे हैं कि उसके घर में उसकी किराए देने के लिए नहीं है उसकी बीवी के पास, और उसको मालिक मकान ने घर खाली करने के लिए कह दिया, आपकी फिशर फोरम उसकी कोई माली मदद करने का ऐलान करती है? अब मुझे ये पता नहीं है कि जो है ना वो किराए के मकान पर रहते हैं और उनका जो है ना वो माल के मकान को किराया नहीं दे सके हैं, ये वाकई जो है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। बाकी एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि हम ना गवर्नमेंट हैं ना हम जो है वो कोई डोनर हैं, ये हमारी मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहरहाल इंसानी बुनियादों पर अगर ऐसा कोई मसला है तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जाकर उनसे पूछें कि भाई क्या मसला है, अगर ऐसा कोई मसला है तो हम आपस में साथी मिलकर भी जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फ़िशरमैन हैं, जैसे यहाँ पर 2 ऐसी फैमिलियाँ हैं जो उनके फ़िशरमैन 14 साल से बंद हैं इंडिया के अंदर, एक खारोशान की एक शाहबंदर की है, मगर वो दर बदर की ठोकरें खाकर एक फैमिली आकर रेड़ीगोट में रहती है और एक इब्राहिम एदरी में रहती है। आपने इनकी सपोर्ट के लिए, माली सपोर्ट के लिए कोई अकाउंट खोलने का ऐलान करें जिसमें तमाम लोग उसमें अपने जो भी हैं पैसे डालें और इस अकाउंट में जो भी पैसे आएँ वो इनके हर माह के लिए, ये जो गिरफ़्तार माहीगीर हैं इनकी सपोर्ट की जाए, कोई ऐसा इरादा रखते हैं आप लोग? मुझ में इतनी सख्त नहीं है, नहीं तो हम चाह रहे थे कि भाई फिशरमैन वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो कायम किया जाए, उसके तहत जो है इन गिरफ़्तार माहीगरों की फैमिलीज़ की हेल्प की जाए, दीगर जो फिशरमैन हैं गरीब हैं जो सेहत की सहूलतों से महरूम है, तालीम की सहूलत से महरूम है, उनकी जो है ना वो इस वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हेल्प की जाए। शाह साहब, आखिरी मेरा सवाल ये है आपसे कि जो गिरफ़्तार माहीगीर हैं इंडिया में उनकी फैमिली से रबते के हवाले से कोई आप लोगों ने फोरम के हवाले से कोई प्लानिंग की भी कि उनकी फैमिली के जो माहीगीर गिरफ़्तार हैं उनके आपस में कोई रबता करवाते हों? अच्छा, रबता तो बहुत मुश्किल है,
उसकी वजह यह है कि ये दोनों हुकूमतें, क्योंकि ये मसला जो है ना गिरफ्तारियों का, वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं है, वैसे ओवरऑल पूरे एशिया का मसला है, साउथ एशिया के मुल्कों का मसला है, श्रीलंकन फिशरमैन इंडिया में गिरफ़्तार होते हैं, इंडिया के फिशरमैन श्रीलंका में गिरफ़्तार हो जाते हैं, सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया, चाइना और ताइवान, ऐसा ये पूरे एशिया का और साउथ एशिया का मसला है, मगर शिद्दत जो है ना वो मुख्तलफ है, क्योंकि अगर श्रीलंका फिशरमैन इंडिया में कह दें तो उनके पीछे फैमिली जो है वो आराम से वहाँ जाकर इंडिया में उनसे जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं, उनके आज़ादी के लिए वहाँ जाकर कोशिशें भी कर सकते हैं, उनकी हुकूमत से भी जाकर मिल सकते हैं, मगर इंडिया और पाकिस्तान में जो है ना ये इसकी शिद्दत जो है ना वो बहुत मुख्तलफ है, पता ही नहीं होता है कि भाई वो किस हालत में है। बहुत बहुत तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।